हेलो फ्रेंड्स, और एक नाबड़ी में आप लोग का स्वागत है। आप जानते हैं मेंस एएचएफ कप 2022 इंडोनेशिया के जकार्ता में चल रहा है। आज तीन मैच खेला जाने वाला था, जिसमें से दो के रिजल्ट अभी आ चुका है। इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए जो मैच हुआ उसका रिजल्ट के बारे में जानते हैं। तो मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। हमारा वीडियो आपको अच्छी लग रही होगा तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अमरिंदर लाइव ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप हॉकी प्रेमी हैं, हॉकी के बारे में जो भी सूचना आता है उस पर आपकी नज़र रहता है। तो आज मार्च 14 तारीख है, आज तीन मैच खेला जाने वाला था। ये जो तीन मैच है, अब तक दो मैच के रिजल्ट आ चुका है। तो पहला मैच 2:30 बजे खेला गया, श्रीलंका और थाईलैंड के बीच पूल ए का, जिसमें श्रीलंका ने थाईलैंड को हरा दिया है। तो पहले हाफ तक दोनों तरफ से अटैकिंग मोड में खेल खेला गया, दोनों तरफ से भरपूर प्रयास किया गया गोल दागने के, और श्रीलंका ने हाफ टाइम तक 3 गोल दागे। थाईलैंड भी पीछे नहीं हटा, 2 गोल दागे हाफ टाइम तक। तो हाफ टाइम तक श्रीलंका 3 गोल दागे और थाईलैंड 2 गोल दागे। लेकिन हाफ टाइम के बाद जब मैच शुरू हुआ, दोनों टीम मैदान में उतरे और अंत तक हाफ टाइम के बाद श्रीलंका ने और तेजी से गोल दागे, अटैकिंग मोड में खेल प्रदर्शन किया और अंत तक और 3 गोल दागे। यानी कि खेल जब खत्म हुआ तब तक श्रीलंका ने 6 गोल दागे, लेकिन थाईलैंड की तरफ से और कोई भी गोल नहीं हो पाया। इसलिए 6 और 2 गोल से श्रीलंका ने ये मैच जीत लिया है पूल ए का। तो आज दिन का दूसरा मैच था सिंगापुर और बांग्लादेश के बीच। दोनों टीम मैदान में उतरे 4:45 पर, दोनों तरफ से भरपूर कोशिश की गई गोल दागने के लिए, लेकिन हाफ टाइम तक बांग्लादेश ने 3 गोल दागे सिंगापुर के ऊपर, लेकिन सिंगापुर की तरफ से कोई भी एक नहीं गोल हो पाए। हाफ टाइम के बाद बांग्लादेश ने और तेजी से गोल दागने शुरू किया और एक के बाद एक गोल दागते चला गया। तो अंत तक मैच जब खत्म हुई तब तक सिंगापुर कोई भी गोल नहीं दे पाई, लेकिन बांग्लादेश ने 7 गोल दागे। इसीलिए ये मैच 7-0 गोल से बांग्लादेश ने ये मैच जीत लिया है। तो ये दो मैच के रिजल्ट अभी आ चुका था, सोचा आपके साथ भी ये शेयर कर दूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर से और एक नया वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।